भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर देश और प्रदेश भर के साथ भाजपा द्वारा चकराता में भी झंडा फहराया गया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर देश भर में जगह जगह कार्यकर्ताओं के द्वारा झंडे फहराए गए, साथ ही रैलियां निकाली गई। भाजपा चकराता मंडल द्वारा भी चकराता कैंट में झंडा फहराया गया और मिठाई बांटी गई। बताते चले कि आज ही के दिन 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था और इसमें विशेष योगदान श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का रहा। एक समय में भाजपा पार्टी के दो सांसद हुआ करते थे। आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख के बराबर योगदान से ये पार्टी खड़ी हुई। चकराता में आयोजित कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष चकराता नारायण सिंह राणा, मंडल महामंत्री माधवर शर्मा, मंडल मीडिया प्रभारी मोनीत दुसेजा, मंडल मंत्री नरेंद्र नेगी, उपाध्यक्ष शांतिराम जोशी, एसटी मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष मोनिका अग्रवाल, टीकाराम शाह उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रताप सिंह रावत उपस्थित रहे। चकराता से उत्तराखंड समाचार के लिए महेंद्र जोशी की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी का 43वां स्थापना दिवस है। आज के दिन 6 अप्रैल 1980 को हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने हैं और उसके निमित्त ही आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी धूमधाम से स्थापना दिवस मना रही है। और बूथ स्तर पर हमारी पार्टी का उद्देश्य कि हम बूथ को मजबूत कर बूथ जीता चुनाव जीता। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रीय आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी संबोधन हुआ कार्यकर्ताओं को। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इस पार्टी का कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष भी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। जैसे अमित शाह जी पहले बूथ अध्यक्ष रहे और उसके बाद जो इस देश के गृह मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। जब इस देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला बन सकता है तो इससे बड़ा गर्व हमारी पार्टी के लिए क्या होगा। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज हमारे पार्टी के 18 करोड़ के लगभग हमारे सदस्य हमारे पार्टी में। आज पूरे विश्व में आज जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है, आज हिंदुस्तान विश्व गुरु बन चुका है। आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आज भारत को कॉमनवेल्थ में 2G में की अध्यक्षता करने का मौका मिला है और इसकी बेजवानी का हमारे उत्तराखंड को भी मौका मिला है। अभी रामनगर में 2G का